रही है ना? आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ हाँ सर। ठीक है। देखो भाई, कल मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया था प्रेशर मेजरमेंट के बारे में, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं वापस से। मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी आप लोगों को, है ना भाई? एक यस सर हाँ सर मिनट में फैन बदलो। देखो भाई, प्रेशर मेजरमेंट, सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं। व्हेन ए फ्लूड इज कंटेंट इन ए वेसल, इट एग्जर्ट फोर्स एट ऑल द पॉइंट इन द ऑन द साइड एंड बॉटम एंड टॉप ऑफ द कंटेनर। मैंने कल आपको ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसे लगता है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये चीज़ क्लियर हो गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और जैसे कि मैंने कल एक आपको बताया था, एक गिलास लेते हैं, गिलास में पानी भरा हुआ है ना? तो उसकी ऑल सरफेस पर, जितनी भी सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है ना, साइड सरफेस, बॉटम सरफेस, टॉप सरफेस, तो उस सभी सरफेस पे जो अपने प्रेशर लगा हुआ है, उस जो फोर्स लगा हुआ है, फोर्स, उसको हम बोलेंगे प्रेशर फोर्स या प्रेशर, प्रेशर पर यूनिट एरिया। अब इसमें फर्क है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पी, स्मॉल पी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, पी अपॉन ए। ये चीज़ अपन क्लियर कर चुके हैं। और प्रेशर ऑफ फ्लूड ऑन सरफेस विल ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। हमेशा कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर में फोर्स लगता है। वो भी पर्टिकुलर एरिया लेते हैं हम, जैसे कि पानी भरा हुआ है ना, तो पानी की जो बॉटम सरफेस पे जो आपका लगेगा फोर्स, वो परपेंडिकुलर टू बॉटम होगा। ठीक है, मतलब वर्टिकल। यदि आप साइड सरफेस लेते हो तो उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा। ठीक है, हेड ऑफ लिक्विड, ये चीज़ भी मैंने आपको कल क्लियर की थी इसमें, कि टोटल प्रेशर ऑन द बेस, टोटल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर। देखो ये क्या है, जो सिलेंडर में जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल आया है? यहाँ पर वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल आया है। ठीक है, और वो कैसे आया है? वो ए लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू इट्स ऑन वेट, द प्रेशर इंक्रीजेज एज द डेप्थ ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। ठीक है, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी आपकी डेस्क की डेप्थ इंक्रीज होगी, तो वेट भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसने कितना वेट आया है ना, तो ये डिपेंड करता है। मैंने आपको कल पोटेंशियल हेड के बारे में थोड़ा समझाया था, पोटेंशियल हेड पोटेंशियल एनर्जी से बनकर बना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक पर्टिकुलर हाइट पर यदि हम किसी वेट को, कंपोनेंट को, डब्ल्यू वेट को लेके जाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जितनी हाइट उसने, जितनी डिस्टेंस कवर की, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है भाई, एम जी एच होती है ना, एम जी मतलब डब्ल्यू। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस पर आप लेके जा रहे हो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। इसी तरह से प्रेशर एनर्जी होती है, और प्रेशर एनर्जी होती है रो जी एच, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो देखो, प्रेशर कितना हुआ? टोटल प्रेशर हो गया पी इंटू ए। कैसे हुआ भैया? देखो ये भी प्रेशर फोर्स है और वेट भी एक फोर्स है ना? ये दोनों कहाँ लगते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लग रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के इनको इक्वल कर दिया। सम ऑफ ऑल फोर्सेज वर्टिकल डायरेक्शन बिलीव इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर जो प्रेशर की डायरेक्शन है, मान लो कि प्रेशर लग रहा है इस तरफ ऊपर की साइड में, ठीक है, और वेट ऑफ लिक्विड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया हमने। ठीक है, तो वेट ऑफ लिक्विड तो मैंने आप कल भी क्लियर किया था, बहुत अच्छे से समझाया था आपको इस बारे में। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, एम मास है यहाँ पर, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं टोटल प्रेशर की, तो ये भी एक फोर्स होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया, पी इक्वल टू स्मॉल पी इंटू एरिया। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ से हमारे पास अब बात देखने वाली ये है कि ये कैसे आया, डब्ल्यू एच क्या चीज़ है यहाँ पर। तो भैया डब्ल्यू एच ये होता है एम जी एच। ठीक है, एम मास, मास क्या है यहाँ पर, हम इसको लेके चलेंगे। मास होता है अपना डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, भले से आप पेपर में कल भी लिखवाया था मैंने आपको, अभी भी लिख लो, मास होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता ना, अरे सुन रहे हो बात?
यस सर, यस सर। हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एरिया हो गया, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया है कि जैसे कि स्मॉल डब्ल्यू जो है वो होती है आपकी वेट डेंसिटी, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ कल क्लियर कर ली थी, एक बार आप देखना अपने नोट्स में जो मैंने कल लिखवाया था, इसमें कोई डाउट तो नहीं है डब्ल्यू एच में। नो सर। हाँ, इसके बाद एरिया से एरिया कट गया, तो यहाँ से पी पी की मतलब डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच का मतलब रो जी होता है, डब्ल्यू का मतलब एक्चुअल में रो जी होता है बेटा, ध्यान रखना। क्या होता है, रो इंटू जी, स्मॉल डब्ल्यू वेट डेंसिटी होती है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये कल हमारा ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत ही डिस्कस हो पाया था। उसके बाद हम बात करेंगे आपके इसमें तो कुछ नहीं है, पास्कल लॉ पे आ जाइए, ठीक है। ये है आपका पास्कल लॉ, देखो, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सभी डायरेक्शंस में जो इंटेंसिटी, जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है ना, वो इक्वल होती है या बराबर होती है सभी पॉइंट्स पर, ये आपका पास्कल का लॉ होता है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। देखो कल का जो टॉपिक था वो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी टाइम दिया था कल इतनी सीरीज में, आज मैंने सिर्फ रिपीट किया है, ठीक है। आज इसके बारे में कुछ बताया नहीं है मैंने, सिर्फ रिपीटेशन दिया है थोड़ा सा, बाकी कल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो मुझे अभी भी। आगे बढ़ाऊँ ना, पास कर लो, स्टार्ट करूँ ना। हाँ सर, पास कर लो, स्टार्ट कर दो। हाँ ठीक है। ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये अब इसके अंदर देखो, इसका पहला प्रूफ देख लो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सभी डायरेक्शंस में इंटेंसिटी, जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ये देखो डायग्राम देख लो आप, तो एक ट्राइंगल बनाया हुआ है यहाँ पर और वेज शेप है, इसको हम वेज शेप बोलते हैं, मैकेनिक्स के अंदर भी आपने पढ़ोगे शायद, हाँ मैकेनिक्स है तो वहाँ पर भी वेज पढ़ाया जाएगा। वेज होती है उसकी ये शेप होती है, आगे से नुकीला होता है एक्चुअल में, ये एम पॉइंट है ना बेटा, ये वेज शेप का होता है ये पूरा की पूरा ट्राइंगल। वेज शेप जनरली क्या यूज में आता है, बड़ी बड़ी हैवी मशीन को लिफ्ट करने के लिए हम वेज का यूज लेते हैं, ठीक है। पर अपन ने यहाँ से उठाने की कोशिश की, यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, धीरे धीरे हम जैसे धक्का देंगे इसको, ऊपर से यहाँ से कोई चीज़ घुसती हुई जाएगी तो वो ऊपर लिफ्ट होती है इस तरह से, ठीक है। तो ये कोई वेज शेप में ट्राइंगल दिया है। पी एक्स क्या है, इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, ओके हॉरिजॉन्टल प्रेशर है। इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर पी वाई हो गया यहाँ पर। इंटेंसिटी ऑफ डायगनल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगुलर एलिमेंट के लिए इंटेंसिटी ये हो गया, ठीक है। अब तीन तरफ से तीनों इंटेंसिटीज हो गई है, हमको प्रूफ करना है कि ऑल द इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू इन ऑल डायरेक्शंस, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका पास्कल का लॉ होता है। तो एंगल ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पर ये एंगल दे रखा है अल्फा, पी एक्स, अब स्मॉल पी तो इंटेंसिटी हो गई बेटा, है ना। देखो प्रेशर इंटेंसिटी और प्रेशर फोर्स में अंतर है, ठीक है। प्रेशर फोर्स पी एक्स क्या है, टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल साइड, पी एक्स टोटल प्रेशर, ये आपका जो है वो टोटल प्रेशर आ गया, पी वाई वाई डायरेक्शन में जो है और जेड डायरेक्शन में जो है, ठीक है भाई। ये प्रेशर फोर्स है, पी एक्स कैपिटल पी एक्स इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एल एन। एल एन यहाँ पर क्या दिया है, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, सॉरी अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन हम बात करें तो प्रेशर फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया, ये हमने अभी पढ़ाया, ठीक है, यही तो पढ़ाया अभी। तो एरिया की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, एल एन। ये एल एन क्या है, यहाँ पर ये एरिया शो कर रहा है ना। अब आप बोलोगे सर एल एन एक वर्टिकल वॉल है, क्या है ये चीज़, ठीक है। ये हमने क्या किया है कि एक ट्राइंगल लिया है, एक एलिमेंट लिया है छोटा, है ना। तो इस तरह से ही आप चाहो तो इसकी थिकनेस काउंट ले सकते हो मल्टीप्लाई बाय वन करके, तो एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एल एन इस सर इसका एरिया हो गया ट्राइंगल का, एल एन इस ट्राइंगल का क्या हो गया, एरिया हो गया, या एक सरफेस का, वर्टिकल सरफेस का। पी वाई एम एन है इसका हो गया, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, फोर्स इंटू एम एन हो गया ये पी एक्स, ठीक है।
एरिया ही तो है एम एन, जेड के लिए हो जाएगा एल एम, जेड के लिए जो आपकी है लाइन ये हो गई। अब क्या बोल रहे हैं हम, एज द एलिमेंट ऑफ लिक्विड इज एट रेस्ट द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द लिक्विड प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू जीरो रिजॉल्विंग ऑल द सेम। अब देखो बेटा मैंने आपको बताई है चाहे नहीं बताई मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी इक्वल टू जीरो, जीरो होती है। अब मैं इसमें यहाँ पर लिखने की कंडीशन में है नहीं, यहाँ पर कुछ लिखने का हो तो आपको समझा देता, काम आता है क्या पेन, चलो छोड़ो। अब देखो मेरे पास ये जो एक्स है ये तो हॉरिजॉन्टल है, वाई है जो वर्टिकल है। आवाज सुनाई दे रही बेटा? यस सर। हाँ अब वो जेड है ना, जेड ये ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। कंपोनेंट लेना आता आप लोगों को, सभी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये चीज सिखाई जाएगी पूरी तरह से कि कंपोनेंट कैसे लिया जाता है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है, पहले चैप्टर के अंदर ये सब कुछ है ना। तो इसके कंपोनेंट लेंगे क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बोलती है कि मेरे पास कोई भी फोर्स है वो आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, या तो वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट लिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि ये न तो वर्टिकल है जेड डायरेक्शन में न हॉरिजॉन्टल है। ओके तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके कंपोनेंट ले लिए भैया पी जेड साइन अल्फा, इसके एक कंपोनेंट तो हो गया पी जेड साइन अल्फा और कॉस के साथ हो जाएगा अल्फा के साथ हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। तो पी जेड साइन अल्फा क्या है, पी एक्स किसके अपोजिट में है, एक्स डायरेक्शन के अपोजिट में है। यहाँ पर ये चीज मैं आपको लिख के ही बता सकता हूँ, ये वैसे तो आपको आएगी नहीं, समझ पा रहे हो तो आप समझ लो, बाकी ये चीज बोर्ड पर ही हो पाएगी है ना, नहीं तो फिर कभी मैं आपको इसका एक वीडियो बोर्ड पर बना के आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा ऐसी कोई दिक्कत आए तो, ठीक है। तो इस तरह से ये पी एक्स साइन अल्फा इक्वल टू सॉरी पी जेड साइन अल्फा इक्वल टू पी एक्स हो गया। ये इक्वल टू पी एक्स कैसे आया, देखो तो अपोजिट डायरेक्शन में ये आ रहा है, मेरा आपको एरो दिख रहा है क्या चलता हुआ? यस सर। इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ये फोर्स, कौन सा वाला, पी जेड साइन अल्फा। अब बोलोगे सर साइन अल्फा कैसे आया, इसके दो कंपोनेंट किए, एक ये हो गया, एक तो हो गया वर्टिकल एक हो गया हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो ये जो पी जेड है ना ये इसका रिजल्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ये। तो पी जेड साइन अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स और इसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा पी जेड साइन अल्फा की जगह सॉरी दोनों तरफ एल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे और एल एन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू जाएगी जैसे कि एल एन साइन अल्फा इक्वल टू एल एन, एल एम साइन अल्फा इक्वल टू एल एन, नहीं मल्टीप्लाई नहीं है ये, अपन को क्या करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है इसमें, साइन अल्फा निकालना है यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे इस पूरे डायग्राम, साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, लंब कर्ण होता है ना साइन अल्फा, तो लंब क्या है एल एन है और कर्ण क्या है इसमें एल एम है, ठीक है। तो यहाँ से आपने वैल्यू रख दी साइन अल्फा की, साइन अल्फा की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, तो ये जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही रिजोल्विंग वर्टिकली फोर्सेस, तो वर्टिकल के साथ क्या आएगा पी जेड कॉस अल्फा, पी जेड कॉस अल्फा, देखो वर्टिकल फोर्स मैंने कहा था ना अल्फा के साथ कॉस आता है, तो पी जेड कॉस अल्फा एक तो ये हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया पी वाई, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर अपन, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के बाद आपके पास ये बन के आएगा पी जेड कॉस अल्फा किसके इक्वल है, पी वाई के इक्वल है माइनस डब्लू। अब यहाँ पर डब्लू माइनस क्यों आया, इसका रीजन देखो क्यों, क्योंकि इसका इसमें कोई प्रेशर है, कोई लिक्विड भरा हुआ है मान लो, तो उसका भी तो कुछ वेट होगा, उसका भी तो कुछ वेट होगा ना, और वो किस डायरेक्शन में है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, वो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से है ना, तो पी वाई माइनस डब्ल्यू ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब पी जेड कॉस अल्फा इक्वल टू पी वाई,
तो डब्ल्यू वेट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट वेरी स्मॉल है इसलिए हम इस वेट को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। यदि यहाँ पर एलिमेंट की जगह कुछ और होता है, इंट्रीगेशन वगैरह करते हम आगे, यदि पूरे इसकी कैलकुलेशन करते तो हम डब्ल्यू वेट को काउंट कर लेते। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो ये लिया है पास्कल लॉ को समझाने के लिए ट्राइंगल लिया है छोटा सा, एक्चुअल में क्या है ये एलिमेंट्री डायग्राम है, मतलब वेरी स्मॉल एलिमेंट लिया है किसी भी कंटेंट का, मतलब आपको कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के कहने की बात ये है कि आपका कोई भी वेसल है, कंटेनर है, उसका एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लिया है जिसका जो वेट है ना, वेट ना के समान है, वेट है ही नहीं है, बस सिर्फ ये कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको कंसिडर किया है, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री पार्ट का वेट कभी होता नहीं क्योंकि वेरी स्मॉल होता है एलिमेंट्री, और उसको देखते हुए हमारे पास ये इक्वेशन बच के आती है पी जेड कॉस अल्फा इक्वल टू पी वाई, और पी जेड कॉस अल्फा की जगह हमने कॉस अल्फा की जगह क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण कॉस अल्फा, यहाँ से कॉस अल्फा है आधार, आधार क्या है एम एन अपॉन एल एम, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर कॉस अल्फा की। हम वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास फाइनली ये आएगा पी जेड इक्वल टू पी वाई, तो कुल मिला के पी एक्स इक्वल टू पी जेड और पी जेड इक्वल टू पी वाई तीनों की जो वैल्यू है वो क्या होगी सेम होगी, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करता है कि आपका कि ऑल द प्रेशर विल बी इक्वल टू इन ऑल डायरेक्शंस, ये आपका पास्कल का लॉ होता है, ठीक है ना। ये चीज है इसके अंदर, समझ में आई बेटा थोड़ी बहुत? यस सर, यस सर। और यदि ऐसी कोई बात है तो आप लोग है ना मुझे बता देना, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो बोर्ड पे ही समझा पाते हैं, है ना, क्लियरली, तो मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ज्यादा तो क्या है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल तो सिंपल है आप ही कर लोगे, कुछ है नहीं बड़ी बात। ये देख लो आप थ्योरी इसके अंदर एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर की हम बात करेंगे। आप देखो भाई एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमोस्फेरिक एयर एग्जर्ट ए नॉर्मल प्रेशर अपॉन ऑल सरफेस विथ विच इट इज इन कॉन्टैक्ट इट एंड इट इज नॉन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर आल्सो नॉन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पर एब्सोल्यूट जीरो होता है ना, एंड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। हम इसको कंसिडर करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि सी लेवल पर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, और यहाँ पर जो एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है वन होता है अपने यहाँ पर, ठीक है, मतलब सरफेस पर, ठीक है ना। तो ये है अब गेज प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता है, गेज प्रेशर की बात करें तो इट इज़ द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, इन विच द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डाटम, है ना, द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज जीरो। गेज प्रेशर, गेज रिकॉर्ड प्रेशर अबव और बिलो द लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर सिंस दे मेजर द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ लिक्विड टू विच दे आर कनेक्टेड एंड दैट ऑफ सराउंडिंग एयर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो वैक्यूम प्रेशर भी है इसमें थोड़ा सा, वैक्यूम प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर, से भी कम प्रेशर तो होता है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, द एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर, अ प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो कैन एग्जिस्ट ओनली इन कंप्लीटली वैक्यूम, ठीक है। एनी प्रेशर मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर इज टर्म एज एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ये डायग्राम है वो एक बार देख लो बस, ये थोड़ा सा इससे समझना है आपको, मतलब कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ये प्रेशर और जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर की लाइन है, ये दोनों हमारे पास एक्सिस है, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर और प्रेशर। अब जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर तो आपको पता है कहाँ पे होता है, बताओ कहाँ होता है, हेलो आ जा रही है? यस सर। तो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर अभी बताया ना मैंने, सी लेवल पे होता है। हाँ सर, सी लेवल पे। सी लेवल पे तो प्रेशर सी लेवल पर, ये जो आपका प्रेशर है ये इसके बाद फिर कौन कौन से प्रेशर काउंट होते हैं सी लेवल के बाद, है ना भाई, एक तो सी लेवल है समुद्र का लेवल है, और उस लेवल से ऊपर जो प्रेशर काउंट होते हैं उसमें सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, है ना। एब्सोल्यूट प्रेशर के बाद ये जो रेंज आती है नेगेटिव या प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोल सकते हो और वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं अपन, और वैक्यूम प्रेशर के ऊपर आता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना।
और फिर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम रह रहे हैं अभी, हम किस में रह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रह रहे हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर जो प्रेशर होगा पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा, और ये जो पॉजिटिव गेज प्रेशर है ये डिपेंड करेगा अपने इंस्ट्रूमेंट पर, अपन डेवलप कर रहे हैं प्रेशर दे बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, फोर्सफुली बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये फ्रीली प्रेशर नहीं है, यहाँ पर फ्रीली नहीं है एक्चुअल में, फ्रीली प्रेशर जो होता है वो एटमोस्फेयरिक प्रेशर ही होता है आराम से। मतलब आप ओपन में हो, वन एटमोस्फेयरिक प्रेशर में रह रहे हैं हम यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे कम का जो प्रेशर होगा वो गेज प्रेशर होगा, सॉरी वैक्यूम प्रेशर, इसको हम नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलेंगे। और उसके ऊपर जो प्रेशर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर जो होगा वो पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से है, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको इससे डिफाइन कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्लस गेज। अब देखो एटमोस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया ना। एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गई, यदि पूरे पूरा प्रेशर मैं एब्सोल्यूट मान के चलूँ ये पूरा कंप्लीटली, तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला छोटा सा ये भी काम का है। तो वैक्यूम प्रेशर की हम निकालें तो वैक्यूम प्रेशर इसी डायग्राम से आप वैक्यूम प्रेशर निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक में से एब्सोल्यूट माइनस कर दो आ जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट होती है पास्कल प्रेशर की, ध्यान रखना, ठीक है। द लो प्रेशर ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एमएम ऑफ वाटर या एमएम ऑफ मरकरी, है ना। हम ये लेके चलते हैं एमएम ऑफ मरकरी में। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज द फॉलोइंग इक्विवेलेंट वैल्यूज। देखो बेटा ये वैल्यूज बार बार काम आती है, ये ध्यान रखना, ये वैल्यूज आपके बहुत काम आती है। देख लो 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो 1 किलो पास्कल आ गया, और इसको अगर चेंज कर दिया तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर हो गया, है ना। ये कैलकुलेशन है, पूरी डेंसिटी से रिलेटेड है पूरी कहानी है। अपन जब प्रेशर डेंसिटी का जब रिलेशन यहाँ पर जब करेंगे तो उसमें पूरी ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। डेंसिटी लेके चलोगे आप 760 mm ऑफ मरकरी, है ना। इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर में को हम 760 mm ऑफ मरकरी भी बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1 bar प्रेशर, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये टर्म्स बहुत काम की है, बार बार न्यूमेरिकल्स में ये काम आती है, ठीक है। और फाइनली आप चाहो तो थोड़ा 5 मिनट और लगेगा, इसको एक बार कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। समझ में आवाज़ क्लियर आ रही है ना बेटा? यस सर, यस सर, ठीक है। बैरोमीटर रीडिंग 740 mm ऑफ मरकरी, कोई रीडिंग ली है उसमें मरकरी की है, जो रीडिंग है ना वो 740 mm ऑफ मरकरी है ना पारे की। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है मरकरी की 13.6, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर दे रखा है 40 kPa। एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट बोथ गेज एंड एब्सोल्यूट। अब देखो भैया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर दे रखा है आपको, गेज प्रेशर निकालना है। अब कुछ नहीं है, कन्वर्ट करना होता है इसमें, है ना। देखो गेज प्रेशर है तो जो वैल्यू है ना किलो पास्कल, उसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, पास्कल की वैल्यू हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब किलो है तो किलो को आप पहले तो इसमें कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो 1000 से, 40 तो 40 हो गई है, 4 को इधर लेके आओगे और जो पॉइंट लगा दोगे 4 में तो 50 हो गई है, 50 हो गई, ठीक है। यहाँ पर 0.4 × 50, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं, बार, ठीक है, बार में आ गया, क्योंकि हमको पता है कि 1 bar = 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। और h, अब देखो भैया ये क्या है, हमको यदि हाइट निकालनी है, मान लो किसकी हाइट या हेड निकालना है, तो हेड के लिए मैंने आपको एक बार बताया थी कल बात कि जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर हेड वो होता है रो जी एच, क्या होता है बोलो, जी एच, रो जी एच, है ना। रो होता है डेंसिटी, जी ग्रेविटी, एच हाइट। तो यहाँ से हमने रो जी एच से पी इक्वल टू रो जी एच, तो एच बराबर हो गया पी अपॉन रो जी। तो डब्ल्यू जो होता है ना वेट डेंसिटी, इसकी वैल्यू बेटा रो जी होती है, ध्यान रखना, आपको मैंने पहले ही बताया था। इस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, रो जी, रो जी डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। तो डेंसिटी देखो 1000 होती है वाटर की, है ना, और जी की वैल्यू क्या है, 9.81 है ही सही, ओके।
या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पी आपने निकाला है अभी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये आपने एम के एस में कन्वर्ट कर लिया, इसको ध्यान रखना एसआई यूनिट के अंदर, सॉरी एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया ये, ठीक है ना, एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया है वन बार को, उसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ से हाइट हो पा गया। और इस तरह से मैं बात करूँ अगले उसकी एमएम ऑफ वाटर की, और आपको क्या निकालना है, मरकरी बैरोमीटर रीडिंग, मरकरी का और है ना, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये तो वाटर की आ गई। जब डेंसिटी वाटर की है तो देखो बेटा ध्यान से समझना, 4.077 मीटर ऑफ वाटर है ये, है ना, मीटर ऑफ वाटर है, क्योंकि वाटर लिया डेंसिटी वाटर की 1000 है, और यहाँ पर जो डेंसिटी आएगी वो मरकरी की है 13.6, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी प्रेशर की 2.299 मीटर ऑफ मरकरी आएगी, ठीक है, ये वैल्यू है। ये क्या है कि वाटर और मरकरी को अपन ने यहाँ पर एक तरीके से स्टैंडर्ड मान के प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया है, ठीक है, ये दोनों एक्चुअल में है प्रेशर वही, प्रेशर में चेंजेज नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, सिर्फ आपके मानने में चेंजेज हैं। कैसे? एक बाल्टी पानी को आपने 10 मग में डाल दिया, या 10 मग के पानी को एक बाल्टी में डाल दिया, इतना ही फर्क है, पानी तो बराबर है, समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर, ठीक है, तो ये चीजें हैं, ठीक है, तो फिर ये हो गया आज के लिए, बहुत है इतना ही, है ना, ठीक है, चलो ओके सर, ओके सर।